ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ टू नंबर इज 95। अब हमारे पास कोई भी दो नंबर है जिनका सम बता दिया गया है कि 95 है। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, यानी कि एक नंबर है ना एक्सीड, यानी कि बड़ा है, कितना ज़्यादा है, 15, एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है, तो फाइंड द नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, फर्स्ट नंबर को हम एक्स लेट कर रहे हैं, लेट द वन नंबर। फोर्थ क्वेश्चन, लेट द वन नंबर इज एक्स। अब सेकंड नंबर क्या कह रहे हैं, उससे 15 बड़ा है ना, तो एक्स प्लस 15 हो जाएगा। अब सम भी बताया गया है कि इन दोनों का सम, यानी कि एक्स प्लस इसका और इसका, एक्स प्लस 15, कितना सम गिवन है, 95। तो एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा हमारा, 2x। 15 यहाँ पे पॉजिटिव है, वहाँ जाएगा तो क्या, नेगेटिव हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 15 करेंगे तो हमारा 80x इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड हो गया, 2 4 8 0। तो x हमारा क्या आ गया, 40, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है ना हमने लेट किया था वो हमारा क्या आ गया, 40। सेकंड उसे 15 ज़्यादा था, तो 40 प्लस 15 55। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:3। दो नंबर हैं, उनका रेशो किस रेशो में, किस अनुपात में है, वो 5:3 में। इफ़ दे डिफर बाय 18, यानी कि उनका डिफरेंस है जो, उनका अंतर कितना है, 18 है, वट आर द नंबर्स, हमने बताने कि वो नंबर्स क्या क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो हम नंबर को लेट कर रहे हैं, पहले तो लेट द नंबर्स, रेशो तो हमें गिवन है, लेट द नंबर्स, 5:3 हमें गिवन है, तो लेट द नंबर्स 5x एंड 3x, क्योंकि रेशो थे 5 और 3, तो नंबर्स क्या हो गए, 5x एंड 3। अब उनका डिफरेंस, डिफरेंस होता है माइनस, तो इनका डिफरेंस यानी कि 5x माइनस 3x, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस कर रहे हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, 18, ये हमें गिवन है। तो 5x माइनस 3x करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 18, तो x क्या आ जाएगा, 18, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, फिर 2 9 जा 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 9। तो x की वैल्यू 9 आई है, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ 5x है तो 5 मल्टीप्लाई 9, और ये 3x है 3 मल्टीप्लाई 9, 5 9 जा 45, 3 9 जा 27, ये दोनों हमारे नंबर हैं जो कि किस रेशो में थे, 5:3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव का मीनिंग है यहाँ एक के बाद एक लगातार, यानी कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप, उनको अगर ऐड करते हैं यानी कि लगातार आने वाले 3 इंटीजर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 51। वट आर दीज इंटीजर्स, हमने बताना है कि वो अब इंटीजर्स हैं क्या क्या, तो लेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। अब बात किसकी हुई है, मल्टीपल्स की, यानी कि गुणज, यानी कि 8 के जो मल्टीपल्स हैं, यानी कि जैसे 8 8 टू 16 24, यानी कि जो मल्टीपल है 8 के, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। तो अगर जो तीनों मल्टीपल्स आएंगे 8 के, अगर उनका क्या कर दिया जाए, सम कर दिया जाए, तो वो सम क्या मिल रहा है हमें, रिजल्ट मिल रहा है 888। तो हमें वो मल्टीपल्स बताने हैं कि क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले तो हम लेट करेंगे वो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स को, सो लेट 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, कौन कौन से होंगे 8 के, सबसे पहला तो 8x हो जाएगा, फिर 8x प्लस 1, फिर 8x प्लस 2। अभी हमने इस टाइप से क्यों लिया कि 8x x प्लस 1, यहाँ देखिए कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार, x फिर x प्लस 1 x प्लस 2, इस तरह यानी कि लगातार एक के बाद एक, और 8 के हैं तो 8 से क्या कर दिया हमने यहाँ, मल्टीप्लाई, क्योंकि 8 के मल्टीपल हैं तो 8 से मल्टीप्लाई होंगे। अब इनका क्या करना है, सम, सबसे पहले तो इनको सोल्व कर लेते हैं, कैसे सोल्व करेंगे, 8x का तो 8x रहेगा यहाँ, फिर यहाँ देखिए 8 को x से किया, 8x प्लस क्या हो जाएगा, 8,
फिर यहाँ हो जाएगा 8x, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ब्रैकेट सोल्व कर रहे हैं, तो 8 2 क्या हो जाएगा 16। अब ये तीनों हमारे मल्टीपल्स आ गए हैं 8 के, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, और इनका सम भी हमें गिवन है 888। तो इनका सम कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 8x + 8x + 8 + 8x + 16, और सम गिवन है 888। अब इनको मल्टीप्लाई ऐड कर रहे हैं, तो 8x + 8x + 8x क्या हो जाएगा, ये 24x बन गए, 16 + 8 कितने हो गए 24, और ये हमारा 888। 24 फोर प्लस किए हैं वहाँ जाएंगे क्या हो जाएंगे हमारे माइनस 888 माइनस 24x। अब 888 में से हम 24 को माइनस करें तो क्या आ रहा है हमारे पास 864। तो x की वैल्यू 864 ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो हमारा क्या आ जाएगा डिवाइड में, कट करेंगे इसे तो हम 36, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 36। तो x की वैल्यू आई है 36, तो 8 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, तो 8 × 36, तो ये हमारी फर्स्ट जो हमारा मल्टीपल बनेगा 288 बनेगा। फिर हमने 8 की मल्टीप्लाई करनी है x से, उसमें फिर 8 प्लस किया हुआ है, यानी कि 288 में कितना प्लस कर देंगे 8, तो हमारा सेकंड मल्टीपल बनेगा 296, इसमें फिर कितना प्लस करना है थर्ड वाले में 8x, तो ये आ गया हमारा 8x 288, 16 प्लस करना है, तो ये हमारा बन जाएगा 304। तो ये 3 हमारे मल्टीपल आ गए हैं कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8, जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास आ रहा है 888। क्वेश्चन नंबर 8 इज 3 कंसेक्यूटिव, फिर कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर उनको बढ़ते क्रम में यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया जाता है यानी कि वे इंक्रीज हो रहे हैं, एंड मल्टीप्लाइड बाय, और जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहे हैं और कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव यानी कि 1-1 ऐड हो रहा है, समझ रहे हैं ना आप, और उनको मल्टीप्लाई किससे किया जा रहा है 2 से 3 से और 4 से, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उनको ऐड कर रहे हैं दे ऐड अप टू 74, क्या मिल रहा है हमें 74 मिल रहा है, फाइंड दीज नंबर्स, हमें वो नंबर फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले तो क्या है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, सो लेट द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स x + 1 x + 2, क्योंकि लगातार आ रहे हैं तो 1-1 क्या हो रहा है ऐड, तो हमने पहले वाले को अगर x लेट किया तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1, थर्ड हो जाएगा x + 2। अब क्या करें, उनको मल्टीप्लाई किया गया है 2, 3 और 4 से, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, फिर इसे किसे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3x + 3 बन जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 3x + 3, इसे करना है 4 से, 4x + 4 2 8, तो 4x + क्या हो गया 8, और जब इनको ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 74 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें ये करना है जो हमने कर दिया है 2x + 3x क्या हो गया हमारा 5x, 5x + 4x बन गया हमारा 9x, 8 + 3 हमारे हो गए 11 = 74, अब प्लस के 11 है वहाँ हो जाएंगे माइनस के, 74 - 11, देन 9x = 63, एंड x = 63/9 कट करेंगे तो 7, 9 7 = 63, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 7, तो x की वैल्यू आ गई, तो फर्स्ट इंटीजर आ गया हमारा 7, सेकंड क्या था x + 1, यानी कि 7 + 1 हो जाएगा 8, लेकिन किससे मल्टीप्लाई किया गया है 3 से, यहाँ देखिए जो हमने ये स्टेटमेंट बनाई है इसमें हम क्या करेंगे x की वैल्यू को पुट करते जाएंगे, फर्स्ट 2x है ना, तो x की वैल्यू 7, तो 2 7 = 14, तो फर्स्ट आ गया हमारा 14, फर्स्ट इंटीजर आ गया हमारा 14, सेकंड है 3x + 3, तो x की जगह हम रखेंगे 7, तो 7 3 = 21, 21 + 3 हो जाएगा 24, तो सेकंड आ गया हमारा 24, सॉरी हमें इसमें यहाँ ऐड अप करके नहीं बताना, हमें डायरेक्ट बताना है x + 1 x + 2, तो x तो हमारा 7 आ गया, सेकंड आ जाएगा 7 + 1 8, थर्ड आ जाएगा 7 + 2